बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शरीफ आदमी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सज्जाद। तो दोस्तों, आप सबके प्यार का बहुत ज्यादा शुक्रिया। आज का व्लॉग यार बहुत ही खास होने वाला है। सबसे पहले तो आपने वीडियो को भाई स्किप करके नहीं देखना। अगर यार आप स्किप करके देखोगे तो आपको जो ना मजा नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों आपने वीडियो को पूरी देखना है, बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर देखना है। तो दोस्तों, क्योंकि आज यार हम अपने जो है ना इस व्लॉग में यार अपने जो है ना चिली मिली के साथ भाई एक प्रैंक करेंगे और इंशाल्लाह आपको जो है काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले यार मैं अपने जो पिजन्स को भाई खोल देता हूँ और जो उड़ने वाले पिजन है उनको ऊपर बैठा देता हूँ और जो दूसरे वाले पिजन है उनको यार बाहर खोल देता हूँ। उनको भाई कुछ खाने पीने को देते हैं, उनकी कुछ पेट पूजा हो जाए। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ। तो आपको पता ही कि यार पिजन्स रखने का तो दोस्तों अपना ही मजा होता है कि जब यार ये उड़कर दूर कहीं जाते हैं और वहां से वापस आते हैं तो उस चीज का मजा कुछ ज्यादा ही होता है। यार ये हमारी कैटो भी भाई खुली हुई है, तो ऐसा ना हो कि ये इनके ऊपर जो है अटैक कर दे, क्योंकि कैटो यार काफी ज्यादा हमारी तेज और चलाक है। तो ये हमारे सारे के सारे पिजन्स बाहर आ गए। तो दोस्तों मैं इनको थोड़ा सा उड़ाकर यार ऊपर की तरफ बिठा देता हूँ। अभी मैंने इनको कुछ खाने पीने को तो नहीं दिया। ये हमारा जो है न्यू वाला पिजन्स, तो ये भाई मैं इसको आज दोस्तों मैं इसके भी यार पर खोल दूंगा, इसको भी भाई उड़ाऊंगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको ऊपर बिठा देता हूँ भाई रोज की तरह। तो आपको पता ही है कि हम अपने किंग केज भी यार इस वजह से बिठाते हैं कि ताकि ये जो है ना बिल्कुल सेट हो जाए अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं इसको भी भाई मैं बिठा देता हूँ। चलो भाई तुम भी ऊपर जाओ। ये देखें, ये भी ऊपर चला गया। और अब हम अपने ये वाले पिजन्स के इसके यार आज मैं पर मैं खोल दूंगा। तो दोस्तों आप ये देखें, इसके तो पर भाई मैंने खोल दिए थे। थोड़ा सा यार इसको आज हम उड़ाते हैं कि थोड़ा सा उड़ जाए और वापस जो है आकर बैठ के। बिल्कुल दोस्तों इसी तरीके से यार ये जब सेट हो जाएंगे फिर तो भाई मज़ा डबल आएगा। तो अब यार इसके मुझे पर खोलने और पर खोल के इसको भी भाई मैं उड़ा देता हूँ। तो मैंने इसके भी यार पर जो मुकम्मल तौर पर खोल दिया, अब इसको भी भाई छोड़ देता हूँ। पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। तो चलें भाई रिस्क लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता। नहीं भाई ऊपर जाकर ये भी बैठ गया है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। और बाकी ये वाले जो है इनको मैंने नीचे इस वजह से छोड़ा ताकि ऊपर वाले आसानी के साथ नीचे आ सके। तो उसके अलावा दोस्तों हम अपने यार इस छोटू मोटू को छोटे से चुन्नू को यार निकाल लेते हैं। ये आप देखिए कितना ज़्यादा ये शरारती है और कितना प्यारा और कितना क्यूट सा है। ये आपके भाई का जो है ना काफ़ी ज़्यादा भाई ये लाडला है। तो ये सिर्फ एक रह गया। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो है ना ये बच्चा जो छोटा सा दोस्तों ये हमारे यार उस वाली मुर्गी का है कि जो मैं अपने किंग केज में सबसे पहले लेकर आया था। तो चलिए भाई इसको भी बाहर ही छोड़ देता हूँ और घूमने फिरने देता हूँ ताकि यार ये भी जो घूम फिर सके। तो चलें दोस्तों यार ये कैटो को आप देखें भाई, कैटो ऐसा ना हो कि यार इनके ऊपर जो अटैक कर दे। वैसे तो यार हमारी कैट जो इस तरीके के काम करती नहीं है, शरारती तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब चलते हैं भाई हम अपने किंग केज में। और ये देखिए आप छोटू मोटू को, ये तो भाई मुझे ही देख रहे हैं कि यार कुछ खाने को ले आओ, क्योंकि इनको तो हर वक्त जो है ना भूख लगी रहती है। तो ये हमारी स्पैरो कॉलोनी में आप देखिए यार यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यार ये हमारी जो है ना एक स्पैरो को भाई पता नहीं क्या हो गया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद यार इसको जो है कोई फालिश का अटैक हो गया। इसकी जो है ना टांगे वगैरह भाई बिल्कुल भी काम नहीं कर रही और बेचारी का जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं एक काम करता हूँ इसको यार इस वाली टोकरी में रख के इसको धूप पे रख देता हूँ ताकि ये जो है वहाँ पर सेट हो जाए। लेकिन अभी जो है बिल्कुल ये ज़िंदा और ठीक ठाक है। तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ यार धूप पर रख देता हूँ। आपको पता ही यार बर्ड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। तो एक काम करते हैं यार इसको यहाँ पर ऊपर रख देते हैं और यहाँ से जो है सूरज लगता रहेगा, इसको जो है धूप मिलती रहेगी और बहुत जल्दी ये सेट हो जाएगी। चलो भाई तुम क्यों नीचे आ गए, चलो ऊपर। ये देखिए यार ये आज तो भाई थोड़े से उड़ गए, घूम के दोबारा बैठ गए। तो यार ये काफ़ी अच्छा हुआ है ये घूम के बैठ गए। अगर ये नहीं बैठेंगे तो फिर भाई वापस भी नहीं आएंगे। उसके अलावा यार एक काम भाई मैं भूल गया हूँ जो बहुत ही ज़रूरी काम है, तो ये काम भी हमने ज़रूरी करना है। ये आप देखिए हमारा गोलू, तो दोस्तों इसका नाम भी भाई मैंने गोलू रख दिया है क्योंकि आप देखिए यार कितना खूबसूरत और कितना प्यारा सा है। आपने हमेशा यार लकी कबूतर जो है ना बड़े देखे होंगे और छोटे चिक्स बहुत ही कम देखे होंगे, लेकिन आपका भाई जो ना आपको ये भी दिखा रहा है। आप देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा सा, और ये कितना ज़्यादा गुस्सा करता है जब मैं इसके करीब हाथ लेके जा रहा हूँ। ये मुझे फुल जो है ना काटने के लिए आ रहा है और मुझसे जो है ना फाइट कर रहा है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि यार इसको मैं बाहर इस वजह से ले आया था अंदर से, क्योंकि इसके जो ना पेरेंट्स हमारे किंग केज में ही हैं। इसको बाहर इस वजह से ले आया था कि दूसरे वाले बर्ड्स इसके ऊपर जो ना हमला काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिस तरीके से हमारे पहले छोटे से पिजन्स के बच्चे को नुकसान पहुँचाया था। और उसको भी हम देखते हैं, वो तो यार अंदर ही बैठा हुआ है। इसको हम भाई यहाँ से अंदर छोड़ देते हैं। चलो भाई जाओ अंदर, शाबाश, ये अपने जो ना बॉक्स में चला गया। मैं सोच रहा हूँ कि आज यार हम जो ना एक प्रैंक करते हैं अपनी यार चिली मिली के साथ। तो चिली मिली के साथ ये हम प्रैंक करेंगे कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो है ना यार मिली को मैं उठाकर बाहर ले जाऊँगा और फिर हम देखेंगे कि चिली का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि चिली जो ना अपनी यार वाइफ से जो है काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके बगैर जो ना बिल्कुल नहीं रह सकता।
तो चले मैं एक काम करता हूँ, मिली को जल्दी से पकड़कर बाहर ले जाऊंगा और फिर आप चिल्ली को आप देखना कि चिल्ली क्या करता है। यार मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने भाई हमारी बातें सुन ली है, इसीलिए यार जल्दी से ये भाग गए। तो चलो मैं इनको वापस बुलाता हूँ, कुछ दिखाकर वापस बुलाता हूँ। आ जाओ, ये आप देखें जल्दी से भाई आ रहे हैं। ये समझ रहे कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए आया है, तो चिल्ली को पता नहीं आज इसके साथ होने वाला क्या है। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर भाई मैंने रख दिया। तो ये जो हमें चाहिए थी भाई वो तो आ गई है, लेकिन आप चिल्ली को आप देखें यार कितना तेज़ और कितना चलाक है। मिली को भाई मैं जल्दी से मैं पकड़ लेता हूँ। यार आप बाकी सबका आप रिएक्शन सब करें। ये मैंने मिली को मैंने पकड़ लिया, अब चिल्ली को आप देखें भाई ये तो मुझसे जो ना लड़ने के लिए आ गया, तो मैं इसको अब ले जाता हूँ भाई। चलो भाई आज मैं लेकर जा रहा हूँ तुम्हारी वाइफ को, अब ये वापस कभी भी नहीं आएगी। अब आप देखना यार चिल्ली का आप रिएक्शन आप चेक करना। ये देखिए आप चिल्ली कहाँ पर आ गया और जोर जोर से भाई चिल्ला रहा। ये मैं यहाँ पर लेकर आ गया और छुप के हम देखते हैं भाई। यार मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई ये जो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो चलें यार छोड़ देता हूँ भाई बेचारे की वाइफ को, क्योंकि ये जो ना अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता है भाई, इसके बगैर जो ना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो ये लो भाई, ये आप देखें ये मेरे ऊपर यार कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और मुझे फुल जो ना काटने की भाई कोशिश कर रहा है, तो इसका बस नहीं चलता कि यार ये मुझ पर जो अटैक कर दे। तो चलें मैं इसको मैं छोड़ता हूँ, अब आप देखना जब मैं छोड़ूंगा फिर आप चेक करना कि कितना ज़्यादा ये खुश होगा। चले भाई इसको छोड़ देता हूँ। यार ये देखें भाई कितनी खुशी से ये भाग कर गई है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है यार, ये एक दूसरे से जो है ना काफ़ी ज़्यादा सबके सब बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि हमारे पूरे के पूरे किंग केज में अगर किसी में एक चीज़ को पकड़ लूँ ना तो दूसरे वाले सब जो है ना शोर मचाने लग जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी बात है। इसमें ले आया हूँ यार अपने जो है भाई छोटू और मोटू के लिए। तो सबसे पहले जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं और ये हमारे छोटू मोटू भी भाई आ गए। ये लो भाई, ये आप अपनी फेवरेट डिश खाओ। तो अब यार ये मज़े से खाते रहेंगे और मुझे ऐसे लग रहा है भाई हमारी स्नो की यार टांग फंसी हुई है और बेचारी जो है काफ़ी देर से तकलीफ़ में है, तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा भाई इसको निकालने के लिए। यार बेचारी इतनी तकलीफ़ में और ये बोल भी नहीं सकते। आपको पता है कि यार जानवर भाई बोल तो नहीं सकते, लेकिन जो है ना इनको अगर कोई परेशानी होती है तो यार पता चल जाता है। तो आप देखें यार इसकी बेचारी की क्यों फंसाई अपनी टांग। यार अब मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी है भाई, आपको दिखाता हूँ। ये देखें यार ये कोने में जो है हमारे टर्की बर्ड्स ने भाई आज भी माशाल्लाह से एक एग्स दिया है, और ये मेरे ख्याल से इसने दिया है इस फीमेल ने, और ये भी गौर से देख रही है यार मेरा अंडा उठाकर कहाँ लेके जा रहे हो। ये लो चाहिए आपको, ये लो ये लो। देखता हूँ यार नीचे छोड़कर ये क्या करती है भाई अपने अंडे के साथ, तो ऐसा ना हो कि भाई ये तोड़ दे। अगर इसने तोड़ दिया तो हमें जो है ना बच्चे की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसको उठा लेता हूँ भाई, बहुत जल्द यार ये कुड़ुक हो जाएगी और फिर इसके नीचे जो है ना आपका भाई अंडे रखेगा और फिर जो है प्यारे प्यारे से बच्चे निकलेंगे। यार आप हमारी स्केटो के आप काम देखो। ओ भाई यार स्केटो के आप काम देखें यार बेचारे जो इसकी, तो भाई इसने जान ही निकाल दी थी। मैं जल्दी से इसको अंदर छोड़ता हूँ, मुझे पहले ही पता था ये ऐसी शरारत ज़रूर करेगी भाई आज। तो भाई हम अपनी स्केटो को ज़रूर समझाएंगे। हाँ बेटा क्यों करती हो ऐसी हरकतें। यार इसने जो इस छोटे से बच्चे की जो है ना बिल्कुल भाई जान निकाल दी है, तो मैंने इसकी काफ़ी दफ़ा जो है पिटाई लगाई है लेकिन फिर भी जो इसे बात समझ में नहीं आती। आई होप कि दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद नहीं है तो यार वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल शरीफ आदमी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो है मज़े मज़े की वीडियो आपको मिलती रहे। ओके करता हूँ मैं अपनी वीडियो का दी एंड, मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।